नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल। जर्मनी से आई स्वीटी ने महाराजगंज के रिंकू से शादी कर ली। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की। कहते हैं कि प्यार न जाति पाति देखता है और न ही धर्म और शरदें की सीमाओं के बंधन। यही वजह है कि प्यार करने वालों को एक दूसरे से जुदा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। ये प्यार है ना, जब किसी से हो जाए तो फिर दूसरा कोई ख्याल में भी नहीं आता। ऐसा ही एक वाक्या हुआ जहां सात समुंदर पार जर्मनी की रहने वाली स्वीटी को वहां पढ़ाई के दौरान रिंकू से प्यार हो गया। आखिरकार लाल जोड़े में दुल्हन बनकर स्वीटी ने सात फेरे लेकर छोटे से गांव में सात जन्मों तक सात जीने मरने की कस्में खाई और दुल्हा दुल्हन वापस जर्मनी लौट गए। महाराजगंज के फरेंदा क्षेत्र के सिधवारी गांव के रहने वाले गणेश चौधरी फौज में रहे हैं। वे परिवार के साथ चेन्नई में रहते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद वे पैतृक गांव सिधवारी आ गए। दसवीं में पढ़ने वाला उनका बेटा रिंकू चौधरी स्कॉलरशिप पर पढ़ाई के लिए जर्मनी चला गया। वहां पर पढ़ाई के दौरान ही रिंकू और स्वीटी को एक दूसरे से प्यार हुआ। उसके बाद दोनों एक ही कंपनी में जॉब करने लगे। वक्त गुजरा और गुजरते वक्त के साथ दोनों का प्यार और परवान चढ़ते चला गया। आखिरकार रिंकू और स्वीटी ने शादी करने का फैसला किया। दोनों ने अपने परिजनों को दिल की बात बताई। शुरुआत में दोनों के ही परिजनों ने शादी के लिए मना कर दिया। थोड़े मान मनोवल के बाद दोनों के परिजन तैयार हुए। इस दौरान रिंकू जर्मनी की स्वीटी को अपने देश और संस्कृति के साथ रहन सहन की जानकारी देने के बाद टूरिस्ट वीजा पर 3 साल में 13 बार अपने गांव ले गया। उसने बारीकियों के साथ यहां की परंपरा संस्कृति को समझने की कोशिश की। उसे भारतीय संस्कृति बहुत पसंद आई और उसने रिंकू से ही शादी करने का फैसला किया। दोनों साथ पैतृक गांव आए, सभी जरूरी दस्तावेज लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। महाराजगंज के एसपी रोहित सिंह साजवान ने दोनों की शादी में काफी मदद की। उन्होंने दोनों के दस्तावेज जांच पड़ताल के लिए विदेश मंत्रालय भेजे। वहां से मंजूरी मिलने के बाद दोनों की शादी का ग्रीन सिग्नल मिला। स्वीटी पिता और अपनी बहन के साथ सिधवारी गांव पहुंची। 17 मई को दोनों का हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। लाल जोड़े में रिंकू चौधरी के साथ सात फेले लेने वाली स्वीटी को देखकर गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में विदेशी दुल्हन की शादी आम के साथ खास के बीच भी चर्चा का विषय बनी हुई है। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, ब्यूरो की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।